कला के बड़े मतलब की जो सभ्य समाज जिसको हम कहते हैं उनसे हम लोगों को उनको प्रश्रय नहीं मिल पाया। हम तो एक बार जैसे कहते हैं लोक कलाओं के कुछ इश्यूज हम लोग रेज कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि लोक कलाएं जीवन की तरह बहुत ही सरल, उनका जो जीवन है बहुत सरल है, पर और लोक कलाओं को हम लोग इसलिए क्लिष्ट नहीं कहते, कॉम्प्लेक्स नहीं कहते। हमारे बीच शिवन जी बैठे हुए हैं। एक बार की घटना है कि मतलब गाँव का जीवन कितना कठिन है और उस कठिन परिस्थिति में कला सृजन कितना किस तरह से हो रहा है, यह समझने की बात है कि इन्हीं शिवन पासवान जी के साथ जब इनके साथ वहाँ के अपने गांव में इनकी ज़मीन को हड़पने के लिए आसपास के लोगों ने इनके साथ मारपीट की, दबंग लोगों ने, और जब इन्होंने दूरभाष पे फ़ोन पे हम लोगों से संपर्क किया तो उसमें फिर हम लोगों ने इंटरवीन किया और स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और तब जाके इनको थोड़ा जस्टिस मिल पाया और आज भी उस लड़ाई को लड़ रहे हैं शिवन पासवान। अभी तक जस्टिस इनको नहीं मिल पाया है। तो ये लड़ाई है, ये जीवन कितना आसान नहीं है लोक कलाकारों का भी, उनका जीवन उतना ही कठिन है जितना वो अपने चित्रों में जितने वो रोजी दिखते हैं उतना रोजी इनका जीवन नहीं है। लोक कलाओं के बहुत सारे मुद्दे हैं, उन्हें थियोराइज करने का मुद्दा हो या संस्थाओं का मुद्दा हो, संस्थाओं और मतलब बाजार की भूमिका का मुद्दा हो, पब्लिक स्पेस का मुद्दा हो, विषय वस्तु के स्तर की बात हो, तकनीक की बात हो, इनोवेशन की बात हो या उनके समकालीनता की बात हो, उत्तर आधुनिक मुहावराओं की बात हो, लोक में बने रहने या लोक में समकालीनता के समावेश का मामला हो, सभी मुद्दे जो हैं लोक कलाओं में बहुत ही गंभीरता से जुड़ते हैं। आमतौर पर लोक कलाओं की जब हम बात करते हैं तो आजकल विभिन्न प्लेटफॉर्म इस बात की चर्चा होती रही है कि लोक कलाएँ जड़ता के माहौल से गुजर रही हैं, यानी ठहराव उनके भीतर आ गया है। परंपरा चूँकि लोक कलाएँ पारंपरिक कला हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, तो जब पीढ़ी दर पीढ़ी जब ट्रांसफ़र होंगी चीज़ें तो ठहराव कभी नहीं हो सकता है। यह परम्परा का अर्थ कभी भी जड़ या स्थिर होना नहीं है। ऐतरे ब्राह्मण में एक श्लोक में की चर्चा भी है जिसमें कहा जाता है कि आगे बढ़ो, इस सृष्टि में सब कुछ घूम रही है इसलिए मनुष्य को भी स्थिर नहीं होना चाहिए। स्थिरता का अर्थ है मृत्यु। तो जब आप जाएंगे, चाहे रांची जाइए चाहे जितवारपुर जाइए, तो कहीं भी आपको वह ठहराव नहीं दिखता है। हर आदमी कुछ न कुछ रचने में व्यस्त है। बाजार का के असर की बात करें तो अलग बात है। और बहुत सारे लोग मिथिलांचल में रह करके काम कर रहे हैं, जो लोग उनके कलाकारों के की मार्केटिंग को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं और बहुत जेन्युइनली काम कर रहे हैं। खासतौर पे एक संस्था बंगला नाटक .com की बात मैं करना चाहूँगा, जो लोग कला के लिए जीवन नाम से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उन लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है। कलाकारों के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उनके जरिए फिर उनको खुद ही मार्केटिंग करना, खुद ही अपने बजट को मैनेज करना, खुद ही अपने फंड को मैनेज करना, ये सारा कुछ वो लोग सिखा रहे हैं। इसके अलावा ठहराव की जब बात करेंगे तो वहीं मिथिलांचल में ही संतोष कुमार दास हैं, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। संतोष कुमार दास बड़ौदा ट्रेंड आर्टिस्ट हैं और वो रह करके वहाँ काफ़ी काम कर रहे हैं। बहुत दिनों तक वो मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी रहे और उस दौरान उन्होंने काफ़ी नई चीज़ें, यानी कि कंटेम्प्रेरी जो आर्ट हम लोग जिसको कहते हैं या जो हम लोग आर्ट कॉलेजेस में रहकर पढ़ते हैं, स्पेस के इस्तेमाल की बात, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को सिखाया है, वैसे स्टूडेंट्स को डेवलप किया है कि वो मिथिला की पारंपरिक कला में भी नए एलिमेंट्स जोड़कर इनोवेशंस कर सकें और काम कर सकें। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मिथिला के गांव में जो जिस हाल में भी आर्टिस्ट रह रहे हों वो आर्टिस्ट भी आप उनसे अगर बात करेंगे, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो आपको कंपोजिशन की बात करेंगे, जो जिन्होंने बड़ौदा या बम्बई के बड़े समकालीन के बड़े मॉडर्न आर्टिस्टों के साथ काम करके उन्होंने कंपोजिशन और उनके कलर्स इन सब पे उन्होंने सीखा है और काम किया है। तो उनके कामों में आपको एक डिफरेंस दिखेगा, जो पारंपरिक ढंग से काम हो रहा था उसमें
और उन्होंने जो जिस ढंग से काम करना सीखा है उसमें, जिसमें कि आप देखिए संतोष दास तो खुद अच्छा काम करते ही हैं, जो बिल्कुल नए ढंग से काम करते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी, जिसमें कई यंग लड़कियां हैं, महालक्ष्मी कर्ण वगैरह जो, या अविनाश कर्ण हैं, जिन्होंने बहुत सारे इस तरह के, या फिर शिवन पासवान और उनके उनके आसपास के जो लोग हैं, अशोक पासवान और संतोष, ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नए ढंग से बिल्कुल कंटेम्प्ररी टॉपिक पर मिथिला पेंटिंग को करने का काम किया है। ये एक बिल्कुल ठहराव की स्थिति नहीं है मिथिलांचल में। मिथिलांचल लगातार गतिशील है। दरअसल कुछ बात सिर्फ दृष्टि की है कि हम एक्चुअली देखना क्या चाहते हैं, हम उन चीज़ों को परख रहे हैं या नहीं। हमारे आर्ट हिस्टोरियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाएँ और उन चीज़ों को बताएं कि कहाँ से जाकर के मिथिला कला अब बहुत आगे जा चुकी है अपने समय से। अब सिर्फ पारंपरिक जो विषय थे, चाहे वो रामायण की बात हो या शक्ति की पूजा की बात हो, या तो ये सिर्फ वही चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ राजा सलहेज तक की बात नहीं है, बात उससे भी आगे जा रही है और उसको रीइंटरप्रेट करने की बात हो रही है मिथिलांचल में। तो इसको हमको लगता है कि हम लोग को समझना चाहिए।